जहां के निवासी भाजपा के किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश जौनपुर में दिन दहाड़े बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ से भी एक खबर सामने आ रही है जहां नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी है और 5 दिनों में ये दूसरे नेता की हत्या की खबर सामने आ रही है। ये खबर मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप पहले जौनपुर का ये मामला सुन लीजिए। प्रमोद यादव जो कि बीजेपी के नेता है, उनकी हत्या कर दी गई है गोली मारकर, और ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। इस खबर को बहुत सारे वेबसाइट ने अपने आर्टिकल में छापा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक वेबसाइट है जिसने इस खबर को छापा है, लिखा है, गुरुवार को दिन दहाड़े एक सरेआम हमले में एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जनसत्ता के रिपोर्ट के मुताबिक जौनपुर में बीजेपी नेता प्रमोद यादव की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय रिपोर्ट में कहा गया है कि हमलावरों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। यादव ने 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा था। चुनाव में सपा के पारसनाथ यादव ने जीत हासिल की थी। 55 वर्षीय वह भाजपा के जिला मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। यादव की उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। बंदूकबाजों ने 3 गोलियां चलाते हुए बैग को मौके पर ही छोड़कर भाग गए। यह एक वेबसाइट है जिसने इस खबर को छापा है, और भी बहुत सारे वेबसाइट ने इस खबर को छापा है, लेकिन वहीं आप छत्तीसगढ़ की ये खबर सुनिए जहां पर 5 दिनों में दो नेताओं की हत्या की खबर सामने आई है। ये खबर जो है News24 ने इसको अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है, लिखा है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक और बीजेपी नेता की हत्या कर दी। 5 दिनों में दो नेताओं की हत्या से प्रदेश में नक्सलियों ने दहशत का माहौल बना दिया। ये नक्सलियों के द्वारा बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है, और 5 दिनों में ये दूसरी खबर सामने आ रही है जहां पर दो नेताओं की हत्या कर दी गई। एक अब खबर सामने आई है और इससे मतलब 5 दिन के भीतर बताया जा रहा है कि दो नेताओं की हत्या कर दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश जौनपुर की ये खबर देखिए जहां पर अज्ञात लोगों ने दिन दहाड़े प्रमोद यादव के घर के सामने ही उनको गोली मार दिया और उसके बाद बाइक को मौके पर ही छोड़कर भाग गए, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि एक टीम का गठन किया गया है अज्ञात लोगों को पकड़ने के लिए जिन लोगों ने प्रमोद यादव को गोली मारा है। तो ये खबर सामने आ रही है। लगातार बीजेपी नेताओं के मारे जाने की, पहले आप नक्सलियों के द्वारा दो खबर सुन चुके जहां दो नेता मारे गए, और उसके बाद जौनपुर से आज ये खबर सामने आई जहां पर प्रमोद यादव बीजेपी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल जिस तरीके से आपको ये खबरें सुनने को मिल रही है बीजेपी के हवाले से, उनके नेताओं के हवाले से, चाहे वो छत्तीसगढ़ चाहे वो उत्तर प्रदेश, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आप अगले वीडियो में।